हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो सबसे बात कर लेते हैं इसी गोवा के बारे में। तो फाइनली ये कंफर्म कर दिया गया मार्कस सर की तरफ से। पहले तो ये रूमर था कि फारिस आर्नोट के साथ एफसी गोवा ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लिया, लेकिन अभी ये कंफर्म हो चुका है कि नहीं, फारिस आर्नोट के साथ एफसी गोवा ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करवाया है। एंड एफसी गोवा में वो कंटिन्यू नहीं करने वाले, वो इंडिया में कंटिन्यू करेंगे लेकिन एफसी गोवा में कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो गोवा डेफिनेटली एक नया डिफेंडर लाएगा। तो अभी गोवा के पास वो जो फॉरेन कोटा का वो जो स्पॉट था वो अभी भी काफी ज्यादा खाली है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और मैं तो बोलूंगा कि यार लाइक गोवा एक और ज्यादा बेहतर डिफेंडर ला सकते हैं एशियन कोटा के लिए, या फिर बेहतर प्लेयर ला सकते हैं एशियन कोटा के लिए सिर्फ डिफेंडर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओडावन इंडिया है गोवा में, और लाइक यू नो संदीप झिंगन भी है डिफेंस, तो डिफेंस ऑलरेडी स्टडी, एक अच्छा खासा डिफेंसिव मिडफील्डर का साइनिंग उन्होंने कंप्लीट किया है। तो एक प्रॉपर मिडफील्डर वो ला सकते हैं एंड वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर भी होगा। अब देखते हैं कि क्या फाइनली यू नो एफसी गोवा का यू नो नए एशियन प्लेयर कौन होता है। एंड आपको क्या लगता है आपको मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट लेवल ओडिशा की तरफ से, तो ओडिशा से ऑफिशियली साइनिंग अनाउंस कर दिया लेनी रॉड्रिगस का, एंड एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लेनी रॉड्रिगस ने एफसी गोवा मतलब ओडिशा के साथ। और सिर्फ ऐसा नहीं, एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो एक्सटेंड करवाया जा सकता है, लाइक वो ओडिशा के हाथ में। एंड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया ओडिशा की तरफ से, जो कि मैं बोलूंगा एक अच्छा साइनिंग ओडिशा के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस डिफेंसिव मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है, 36 एज है, बट वही लाइक एक्सपीरियंस का अपना एक वैल्यू होता है। ऑल्दो लास्ट सीजन इनको ज्यादा प्ले टाइम नहीं मिला था, इस सीजन में इनको मेनली ऐसा बैकअप ही खिलाया जाएगा। सो देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस ओडिशा में सीजन कैसा रहता है। नेक्स्ट सीजन अगर बैंगलोर की तरफ से, तो बैंगलोर सी करेंटली बात कर रहे हैं जूलियस ड्यूकर के साथ, एंड लाइक अभी काफी इनिशियल स्टेजेस में, लाइक काफी ज्यादा बेसिक स्टेज में। एंड जूलियस ड्यूकर जिनको नहीं पता या फिर जिनको याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ऑलरेडी चेन्नई में खेला है एक टाइम पे, और लाइक यू नो एक टाइम पे क्या मतलब लास्ट सीजन ही थे वो चेन्नई पे, और लाइक अच्छे लाइक डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है। एंड बैंगलोर को एक सॉलिड डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन का प्लेयर चाहिए भी, तो एक अच्छा साइनिंग हो सकता है। ऑल्दो चेन्नई से अभी तो वो रिलीज हो चुके हैं, एंड काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उनका क्लब नया क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जर्मनी में काफी साल खेला है, एज भी सिर्फ 27 है, तो ऐसा नहीं कि एज भी बहुत ज्यादा है। सो लाइक यू नो ऑल्दो लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस उतना भी बढ़िया नहीं था, ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, बट एक और मौका लाइक ये डिजर्व करते हैं। सो देखते हैं कि क्या ये फाइनली यू नो बैंगलोर में आते या नहीं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी में, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब में थोड़ा मतलब कर देना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। एंड मैं लोग के साथ, तब तक के लिए बाय।